तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं मेरा जो आर्ट टूल्स है और किस तरह का पेंसिल और स्टैम्प्स यूज़ करता हूँ। तो चलो देखते हैं मैं कौन कौन सा पेंसिल इस्तेमाल करता हूँ। तो आप लोगों को भी दिखाता हूँ, तो देखिए व्यूअर्स, आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादातर पेंसिल से ही आर्ट बनाता हूँ। तो मेरे पास ज़्यादातर पेंसिलें हैं, इतना सारा कुछ। तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। तो देख सकते हो, मेरे पास ज़्यादातर अप्सरा के पेंसिल का अप्सरा पेंसिल है, तो जो ये है, और उसलन का भी है, लेकिन ज़्यादातर मैं अप्सरा का पेंसिल का यूज़ करता हूँ और आर्टलाइन का पेंसिल का इस्तेमाल करता हूँ। जो आर्टलाइन का पेंसिल है वो थोड़ा डार्क ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है, वरना सब पेंसिल ही एकदम ठीक ही है और भी पेंसिल। तो देख सकते हो, और मैं ये वाला पेंसिल भी यूज़ करता हूँ जो कैमलिन का है, और मैं हाईटेक पेंसिल भी है मेरे पास, एक मैकेनिकल पेंसिल जो बहुत ही चीप क्वालिटी का है, 0.5 mm का जो मैकेनिकल पेंसिल, ये इसको मैं आउटलाइन ड्रॉ करने में इस्तेमाल करता हूँ। तो पेंसिल मेरे पास ये तीन टाइप का पेंसिल इस्तेमाल करता हूँ। मैं अच्छे से नहीं रखा, बट मैं मेरे पास इतना ही पेंसिल है कुछ, और मैं ब्लेंडिंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ। ये जो वाला स्टैम्प्स देख रही हो इसको, और थोड़ा बहुत ये वाला यार बर्ड्स का भी इस्तेमाल करते हैं, और ये जो देख सकते हो अप्सरा का ये वाला वाइट पेंसिल, ये वाला भी बहुत ज़्यादा काम का है, ये वाला भी मैं यूज़ करता हूँ ब्लेंडिंग के लिए, और टिश्यू पेपर और ब्रश भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर यही इस्तेमाल करते हैं मैं। और अगर मैं पेन यूज़ करूँ तो देख सकते हो, मैं यूज एंड थ्रो बॉल पेन का इस्तेमाल करता हूँ कोई भी पेन आर्ट करने के लिए। इससे पहले मैं एक इस पेन से ही ड्राइंग किया और यूट्यूब पे भी डाल रखी है, तो आप चाहे तो ऐसे देख सकते हो। तो मैं इस पेन को भी इस्तेमाल कर सकती हूँ कोई आर्ट के लिए। और वाटर कलर जो है, वाटर कलर मैं कैमलिन का ये वाला वाटर कलर इस्तेमाल करता हूँ। इसमें भी मैं बहुत बहुत दो चार कलर वर्क की मैं वाटर कलर से आर्ट डाल रखा है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हो। और जो पेंसिल शार्पनर है, वो पेंसिल शार्पन करने के लिए जो नॉर्मल जो छीलना होता है, वो जो नॉर्मल शार्पनर तो है ही, और जो 8B 10B है उससे क्या होता है कि नहीं छीला जाता है। तो उसके लिए मैं ये द ब्लू ग्लू इस्तेमाल करता हूँ जो कटर है, इससे आसानी से आप काट सकते हो अगर आप चाहे तो। मेरे पास जो थोड़ा बहुत चीज़ है, और मैं फिक्सेटिव स्प्रे भी इस्तेमाल करता हूँ थोड़ा बहुत, आर्ट जो आर्ट होता है उसके बाद जो फिक्स रहने के लिए फिक्सेटिव स्प्रे भी इस्तेमाल करता हूँ मैं। इससे क्या होता है कि जो आपका आर्ट है वो ख़राब नहीं होता, तो इसलिए मैं ये भी इस्तेमाल करता हूँ आर्ट करने के बाद। तो बस मैंने ये, मेरे पास इतना ही है।
तो गाइस आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत दिखा दिया कि मैं कैसा कैसा टूल्स यूज़ करता हूँ। तो आपको आई होप कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया ये वाला। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।